बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हम सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, और जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो खुदा ताला सबको अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बेहतरीन किस्म का ग़िज़ाई नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये उन तमाम लोगों के लिए मुफीद है जिनको जिरियान का पुराने से पुराना मसला हो, औरतों को पुराने से पुराने लेकोरिया का मसला हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हो गई हों, ऐसे ही वो दोस्त जो दिमागी कमज़ोरी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हाफ़ज़ा उनका कमज़ोर रहता है, जो दफ्तर के अंदर काम करते हैं चीज़ें उनको भूल जाती हैं, ज़्यादा देर याद नहीं रहती, तो वो सारे के सारे दोस्त इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें। ऐसे ही वो दोस्त जो किसी भी किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं, जिस्म के अंदर खून की कमी का मसला है, घुटनों के अंदर तकलीफ़ रहती है, जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, ये एड़ियाँ उनकी दर्द करती रहती हैं, तो वो सारे के सारे दोस्त भी इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें। लगातार कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह का फ़ज़ल हुआ तो आपके ये सारे के सारे मसाइल मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। अभी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो इस नुस्खे को लगातार इस्तेमाल करें। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप ख़ुद भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी इस्तेमाल करवाएँ, घर वालों को भी इस्तेमाल करवाएँ, बड़े बूढ़े इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला सबको इसका बेहतरीन और बहुत जल्द रिज़ल्ट मिलेगा। तो बहुत ही आसान और सादा सा नुस्खा है, ज़रूर इसको बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा। नुस्खा बताने से पहले मेरी आप सब दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोगन बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीर या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं 03054800448, 03100067106, और साथ में टेलीनार का नंबर है। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें वॉइस मैसेज या रिटर्न के अंदर लिखकर मैसेज कर दें, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप सारे दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि रोज़ाना के एतबार से हज़ारों मैसेजेस आते हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर दिया करें। जो कॉल पर बात करना चाहते हैं तो वो भी पहले टाइम ले लिया करें, जो टाइम हमारा तय हो जाए उसके मुताबिक ही कॉल कर लिया करें। बहुत सारे दोस्त फ़ोन कॉल पर लगे रहते हैं, बाज़ दफ़ा मैं उठा नहीं पाता मसरूफियत की वजह से, वो नाराज़ होते हैं कि आप कॉल नहीं उठाते, तो आप सारे दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर दिया करें। अगर आपका व्हाट्सअप नहीं है तो वैसे मुझे मैसेज कर दिया करें मोबाइल नंबर पर। इंशाल्लाह ताला जो मैं आपको तरतीब बताऊँगा फ़ोन पर बात करने की, तो आपने उस वक्त कॉल कर लेनी है, इंशाल्लाह ताला तफसील के साथ बात भी हो जाएगी। तो दोस्तों, नुस्खे के अंदर कौन कौन से अज्ज़ा हैं। सबसे पहले आपने नारियल अच्छी किस्म का लेना है, एक पाव नारियल। नंबर दो, आपने पिस्ता लेना है तकरीबन एक पाव। बादाम आपने लेने हैं आधा पाव। ये तीन चीज़ें अच्छे तरीके से आपने कूट लेनी है, इनको मिक्स कर लेना है। कूटने के बाद अच्छे तरीके से आपने इनकी रगड़ाई करनी है, रगड़ाई करने के बाद आपने इनको मिक्स कर लेना है। अब चीनी का क़वाम आपने तैयार करना है, कम से कम आधा किलो चीनी हो उसका क़वाम आपने तैयार कर लेना है। जब क़वाम तैयार हो जाए तो आपने तीनों चीज़ें उसके अंदर डालनी है। चौथी चीज़ आपने लेनी है वर्क नुकरा, चांदी के वर्क आपने तकरीबन एक तोला ले लें या दो तोले ले लें, तो चांदी का वर्क लेकर आपने उसको अच्छे तरीके से कूट कर इसके अंदर आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, अगर आप चीनी ऐड नहीं करना चाहते तो इसको माजून की शक्ल में भी बना सकते हैं। माजून की शक्ल में तरतीब ये होगी कि पहले तीनों चीज़ें पिस्ता, नारियल और बादाम, इनको आपने पीस कर फिर इसमें आपने शहद ऐड कर लेना है। जो चांदी के वर्क हैं उनको अच्छे तरीके से मिक्स करके उसके अंदर आप शामिल कर लें, और रात को सोने से पहले और सुबह खाली पेट छोटा चाय का चम्मच नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। जो छोटे बच्चे हैं 8 साल से कम उनकी उम्र है या 8-10 साल के करीब उनकी उम्र है, अगर आप उनको इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मकदार कम कर लें या एक वक्त इस्तेमाल करें। जो बड़े हैं वो सुबह शाम छोटे चाय का चम्मच, सुबह खाली पेट और असर के बाद या रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। मेरे अल्लाह का फ़ज़ल हुआ तो पुराने से पुराना जिरियान का मसला हो, औरतों के लकोरिए का मसला हो, घुटनों के दर्द का मसला हो, जिस्मानी कमज़ोरी का मसला हो, दिमागी कमज़ोरी के मसाइल हों,
हाफजे की कमज़ोरी का मसला हो, वो सारे के सारे मसाइल बिफजली ही ताला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। अच्छा, साथ में मैं एक ये बात आपको बताता चलूँ, अगर आप इसकी बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो इसमें से आपने बादाम को निकाल देना है, सिर्फ दो चीज़ें, नारियल और साथ में पिस्ता, इनको कूट लें, चीनी का क़वाम तैयार कर लें, क़वाम तैयार करने के बाद ये दोनों चीज़ें उसके अंदर ऐड कर लें। अगर आपने बर्फ़ी तैयार करनी है तो चांदी का वरक लेकर थोड़ा थोड़ा उसके अंदर ऐड कर दें, उसको पीस कर बेशक ऐड कर लें, जब वो खुश्क हो जाए तो आपने काट देना है, तो ये बर्फ़ी बन जाएगी, बेहतरीन किस्म की बर्फ़ी, मुकव्वी बाह बर्फ़ी ये आपकी बन जाएगी। ये आप सुबह शाम ख़ुद भी खा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, उनके लिए मुफीद होगा, आपके लिए भी इंशाअल्लाह ताला तमाम के तमाम मसाइल के अंदर मुफीद होगा। और ये भी मैं साथ आपसे गुजारिश करता चलूँ, अर्ज़ करता चलूँ कि जिनको ये मसाइल नहीं हैं वो भी इसको इस्तेमाल करना चाहें जिस्मानी ताकत के लिए और दीगर मसाइल के लिए, अगर उनको इन मसाइल में से कोई भी मसला नहीं है तो वो भी इस नुस्खे को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो बिला झिझक इसको इस्तेमाल करें, हर बंदा इस्तेमाल करे, मेरे अल्लाह का फजल हुआ तो जिनको मसाइल हैं उनके मसाइल ठीक हो जाएंगे और जिनका मसला नहीं है इंशाअल्लाह ताला जिस्म के अंदर और कुव्वत पैदा होगी और ताकत पैदा होगी और उनका हाफ़ज़ा ज़्यादा मजबूत होगा, तो ज़रूर इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।